कुमारी सहजा ने इस्तीफा दे दिया गुटबाजी नहीं, नहीं आप कह रहे हो ना, हमने कह रहे सर जी बनाया सर, ये आप कह रहे इस्तीफा दे दिया, मेरे लिए तो न्यूज है, मेरे को तो नहीं पता इस बात का, आपको पता होगा एंड बेटर यू आर इस्तीफा दे दिया, मेरे लिए तो न्यूज है, मेरे को तो नहीं पता इस बात का, आपको पता होगा एंड बेटर यू आर इस्तीफा दे दिया, मेरे लिए तो न्यूज है, मेरे को तो नहीं पता इस बात का, आपको पता होगा एंड बेटर यू आस्क शैलजा जी, आप लोगों की बनाई गुटबाजी, हरियाणा में कोई गुटबाजी नहीं कहूंगा लगातार, ये अगर अगर हमारा संगठन और मजबूत होता तो आज कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, देखिए जिस नेता को आम आदमी पार्टी में जो चले गए, आप बेटर हूं इसे पूछे इस बात, मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं, कांग्रेस पार्टी ने सभी नेताओं की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ड्यूटी लगाई कि आप जाकर पेट्रोल डीजल और जो सीएनजी पीएनजी जो गैस हैं घरेलू गैस, इनमें जो बहुत ही ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वृद्धि कर दी है इनके रेट्स में, तो उसके लिए हम सभी जिला मुख्यालयों पर जाकर कांग्रेस पार्टी की ओर से हम भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जो इनका इस देश के प्रति जो प्रेम है उसको उजागर करने के लिए उसी श्रृंखला में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे माननीय सोनिया जी, राहुल जी, विवेक बंसल जी के निर्देश पे आज मैं जिला केथल में आप सभी साथियों का, मीडिया कर्मियों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ कि आप हमारी बात सुनने के लिए, हमारी बात आपके जिला के, आपके इलाके के लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे बीच में आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। साथियों 9 अप्रैल को हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की ओर से राष्ट्रपति जी के नाम इसी महंगाई के खिलाफ जिला मुख्यालय पे बहुत बड़ा यहाँ प्रदर्शन हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति जी के नाम सौंपा, उसमें हमारे सभी साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन यह जो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस बात के लिए कि आज केवल और केवल 18 दिन में 14 बार पेट्रोल और डीजल गैस के दाम बढ़ा दिए गए, ऐसा लगता है कि इस देश के लोगों को गुड मॉर्निंग गिफ्ट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुबह सुबह देती है। 80 नए पैसे सुबह 6 बजे भाव तय करते हैं पेट्रोल के डीजल के, और सुबह 6 बजे केवल एक बात बताते हैं कि 80 पैसे भाव बढ़ गया। पिछले 18 दिन में 14 बार मूल्यों को बढ़ा देना और कम से कम 10 रुपये भाव बढ़ा दिया गया। आज का भाव दिल्ली में हरियाणा से ज़्यादा महंगा सस्ता आज की तारीख। आपको याद होगा जब यहाँ पर 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जब आप जाते थे दिल्ली तो वहाँ लिखा होता था दिल्ली से पेट्रोल हरियाणा में सस्ता है, जब आप चंडीगढ़ अम्बाड़ा से आके जाते थे पेट्रोल पंपों में लिखा होता था पंजाब से सस्ता डीजल सस्ता पेट्रोल, आज जब आप दिल्ली जाएंगे आप पाएंगे कि वहाँ लिखा है हरियाणा से सस्ता पेट्रोल। कारण हरियाणा सरकार ने वैट इतना लगा दिया, मोदी की सरकार ने नहीं, हरियाणा की सरकार श्रीमान खट्टर साहब की सरकार इतना भारी वैट लोगों पर लाद दिया कि आज हरियाणा में 106.15 रुपये पेट्रोल है और दिल्ली में 105.41 रुपये का भाव है और मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल का भाव 120.51 रुपये। आप सभी जानते हैं जब पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ती है
तो जितनी भी उपभोग की वस्तुएं हैं, क्योंकि ढुलाई डीजल से होती है, रेलवे के अंदर भी डीजल उपयोग होता है, तो सारे की सारी चीज़ों के ऊपर इसका बहुत भारी असर होता है। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का भाव पूरा का पूरा महंगाई की मार गरीब आदमी के ऊपर जरूर से जरूर पड़ती है। आठ साल में इस मोदी सरकार ने पेट्रोल से 26,51,919 करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल के और गैस के माध्यम से कमाया है। तकरीबन 26 करोड़ फैमिली है इस देश में, तो ऑन एन एवरेज 1,00,000 रुपया हर परिवार से इन्होंने जो एक्स्ट्रा दाम बढ़ाए उससे इन्होंने कमाया है। मोदी सरकार जो रसोई गैस है वो दुनिया में सबसे महंगी अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में। पेट्रोल पूरे संसार में 3rd नंबर पर है और डीजल 8वें नंबर पे है। क्या इन्होंने व्यवस्था कर दी? हमारी भी सरकार रही, हमारी सरकार में अगर 2 रुपये भाव भी एलपीजी का बढ़ जाता था तो ये लोग स्मृति ईरानी पेट्रोल वो एलपीजी का सिलेंडर सिर पर रख के प्रदर्शन किया करती थी। आपको याद होगा हरियाणा का जो आज अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़ अपने वर्करों को लेकर अर्धनगन होके सड़कों के ऊपर ये जा के प्रदर्शन किया करते थे। मैं आज पूछना चाहता हूँ ओम प्रकाश धनखड़ जी से, आप क्या तो वायदे करके आप सरकार में आए थे और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप कहते हो डबल इंजन की सरकार है, ऐसी तो भगवान किसी को डबल इंजन की सरकार ना दे कि केंद्र में भी आपकी सरकार हरियाणा में भी आपकी सरकार, लेकिन फिर भी गरीबों पर अगर आज आप इतनी मार कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जनता सब कुछ देख रही है। आप ठीक है, आप झूठ सच बोल के केवल आप धर्म जाति की बातें करके लोगों की भावनाएं भड़का के आप राजनीति में जीतने की बात तो करते हैं, लेकिन आज लोग अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका भाव ना बढ़ाओ, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं चाहे कपड़े जूते, पिछले 17 महीने में आज वो पीक पे पूरे के पूरे हर चीज़ का भाव पीक पे पहुंच गया। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है रिटेल में 6.95% इस समय है देश का, और खाने पीने की चीज़ें जो 5.85 थी वो बढ़ के आज 7.68% हो गई है। इससे ज़्यादा वृद्धि खाने पीने की चीज़ों में आज तक कभी हुई नहीं थी। इतना ही नहीं, आज पूरे के पूरे देश के किसान कितने दुखी हैं, जो 50 केजी का कट्टा 1250 से और 1300 रुपये तक हमारी सरकार हरियाणा में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी उसमें मिलता था 1350, उसके 12 अब वो बढ़ के कितना 3500 करोड़ रुपए का आज किसानों के ऊपर इनके ऊपर बोझ इन्होंने लाद दिया। टोल टैक्स की बात करें आपके सामने 2020 और 21 में 28,458 करोड़ रुपए एकत्रित हुआ, वही 21-22 में 37,000 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार के मंत्री माननीय गडकरी जी ने बयान दिया है सदन के पटल के ऊपर कि मैंने 34,000 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा किया है। इसका मतलब 6,120 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ हिंदुस्तान की जनता के ऊपर डाल दिया। इवन आप देखें मेडिसिन के अंदर जो डेली हम देखते हैं गोलियां दवाइयां टीके, 1 अप्रैल से 800 दवाइयों के ऊपर इन्होंने एक्स्ट्रा
टैक्स लगा दिया और अब वो आज की तारीख में 10.76% इतना भारी टैक्स मेडिसिन पे लगाना कोई अच्छी बात नहीं। 10,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन हिंदुस्तान की भोली भाली जनता पर इस सरकार ने लगा दिया। तो मेरा अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र सरकार से भी और माननीय खट्टर साहब से भी, आप कृपा करके थोड़ा वेट कम करें और जो पेट्रोल डीजल और सीएनजी पीएनजी और एलपीजी के जो दामों में आपने जो भारी वृद्धि की है उसको कम करें। और मैं तो भाई जब कैथल में आता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, यहाँ की भोली भाली जनता को भारतीय जनता पार्टी ने जात बिरादरी के नाम पर बांटकर, देखिए 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी एक बहुत अहम मिनिस्टर रहे, आला दर्जे के वजीर थे, यहाँ के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में आकर उनको हरा दिया। इसी तरह इसी यहाँ से कलायत से भाई जयप्रकाश जी चुनाव लड़े, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे, बहुत आला लीडर हैं, उनको भी लोगों ने हरा दिया। मैं ये समझ नहीं पाता, उन्होंने कलायत का जींद का, वो तो मेंबर पार्लियामेंट रहे, उन्होंने पूरे के पूरे हलकों के अंदर कितना विकास कराया। मैं भी हरियाणा सरकार में उस समय टूरिज्म का चेयरमैन था, मुझे पता है कि रणदीप सुरजेवाला जी ने और भाई जयप्रकाश जी ने कितना पैसा हरियाणा सरकार के खजाने का आपके कैथल जिले में लगाया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन भाइयों, मैंने जैसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति में धर्म में इस तरह की बातें लोगों की भावनाओं से खेल के और वोटों को हथियाने का काम करते हैं, लेकिन अब ये इनका चलने वाला नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। इतनी महंगाई आज तक कभी हुई नहीं इस देश में। मैं आप सभी साथियों का यहाँ आने पर धन्यवाद भी करता हूँ और इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो हमारी बात है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ, इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। ऐसी बात सरकारें बिना निवेदन से मौसम मान जाती हैं, जो महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो मैंने जैसा पहले आपको कहा 9 अप्रैल को हमारे यहाँ साथियों ने बहुत बड़ा ज्ञापन दिया डिप्टी कमिश्नर को, अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के इस जालिम सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और हरियाणा के अंदर हम ऐसा चक्का जाम कर देंगे कि खट्टर साहब की सरकार को लेने देने पड़ जाएंगे। कांग्रेस के टाइम में जब सरकार थी, कांग्रेस के गाना आया था महंगाई बढ़ी तो महंगाई डाइन खाया जाता है जी, वो महंगाई डाइन बीजेपी को क्यों नहीं खाती? बीजेपी की सत्ता में सरकारें आ रही है 4 राज्यों में, यही तो हम पूछ रहे हैं ना जी। पब्लिक क्यों नहीं, पब्लिक को क्यों महंगाई? पब्लिक मैंने आपको बता दिया, पब्लिक को महंगाई की बहुत बड़ी मार है, लेकिन ब्रदर सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पता चल गया वोट हथियाने की राजनीति, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, केवल और केवल धर्म जाति रीजनलिज्म इस तरह की बातें फैला के ये लोग वोट बटोर लेते हैं। लेकिन आम आदमी दुखी है, अगर आप किसी आम व्यक्ति से जाके बात करोगे आपको लगेगा कि आज की केंद्र सरकार और आज की राज्य सरकार से बहुत ही ज्यादा तंग है। बीजेपी कह रही है कि आमदनी भी तो बढ़ रही है, जैसे दिहाड़ी वाले 300 हो गए, 400 रुपए हो गए, ये कोई जवाब नहीं है जनाब। अगर महंगाई बढ़ा के और आप ये सोचोगे वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जितने रुपए बढ़े हैं इसमें कोई शक नहीं, जब भी समय बदलता है डीए भी लगता है, सरकारी कर्मचारियों की भी तनख्वाहें बढ़ती हैं, और हम इस बात के मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जो आदमी दिहाड़ी मजदूरी करता है उसका भी बढ़ना चाहिए, लेकिन महंगाई तो इतनी नहीं होनी चाहिए ना, पर बढ़ाने का फायदा क्या हुआ, बढ़ाने का फायदा क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हो रणदीप सुरजेवाला हार गए, जयप्रकाश हार गए, आगे की कितनी अपेक्षा है जीतने की, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार आ गई, हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है, आगे कितनी अपेक्षा लगा रहे हो? ये तो आप लोगों की बनाई गुटबाजी, हरियाणा में कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस लगातार पूरे
इस्तीफा दे दिया मेरे लिए जो न्यूज है मेरे को तो नहीं पता इस बात का, आपको पता होगा एंड बेटर यू आस्क शैलजा जी। 8 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है सर, जिला नहीं है, जिला प्रधान कौन है? जिन चीजों की कमी है मैं आई एक्सेप्ट दिस थिंग, आई एक्सेप्ट दिस थिंग कि अगर अगर हमारा संगठन और मजबूत होता तो आज कांग्रेस की स्थिति नहीं होगा होगा क्यों नहीं होगा। राहुल जी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो जो कहेंगे सभी मानेंगे, ऐसा क्यों नहीं मानेंगे? पार्टी को संभालो, मीडिया को छोड़ दो, मीडिया तो पार्टी आपसे आ जाएगा, पार्टी को भी करना है। मैं मीडिया को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हरियाणा में कोई ग्रुपिज्म नहीं है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जयप्रकाश रणदीप सिंह सुरजेवाला को हर दूसरे तीसरे दिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टारगेट कर रहे हैं सर, चुनाव में उनके सामने लड़ूंगा। चलो आम आदमी पार्टी का ग्राफ किधर देखते हो आप? हरियाणा में पंजाब कांग्रेस के नेता जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, आप ग्राफ किधर देखिए? जिस नेता को आम आदमी पार्टी में जो चले गए आप बैठक में उनसे पूछे इस बात के बारे में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। कारण है उसका क्योंकि इशूज इस प्रकार के हैं, हमारे इशू पंजाब के इशू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं, और कभी भी आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अपनी जड़ें नहीं छोड़ेगी। आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य शिक्षा को ज्यादा लेकर चल रही है, तो यही तो इशू होते हैं। देखिए देखिए मैं आपको देखिए मुझे कहना नीचे मैं किसी पार्टी के खिलाफ इतना बोलूं, लेकिन सच्चाई एक बात की है, दिल्ली के अंदर 4 स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बना के और केजरीवाल जी ने 570 करोड़ रुपए के विज्ञापन छपवा के हरियाणा और पंजाब के अखबारों में 570 करोड़ रुपए के विज्ञापन छपवा के और पंजाब के अंदर सत्य हथियाली, लोगों ने समझा कि भाई ये तो सरकारी स्कूलों में भी अगर स्विमिंग पूल है, लेकिन आप दिल्ली में जाकर देखो केवल 4 स्कूलों में, उन्हीं 4 स्कूलों के फोटो बार बार लगवा के इस तरह की बातें यहाँ नहीं चलने वाली। सर मेरा सर आपकी सरकार रही, आपकी सरकार ने इतने भी करवा पाया था उस समय, आप कहते हो स्मृति ईरानी सड़कों पर दिखी नहीं जी, आपकी भी महिला विंग है, आपकी भी कांग्रेस है, विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा, सत्ता पक्ष पर दोष दिए जा रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं विपक्ष दिखेगा ना, आप आज हम आए आपके सामने ऐसा है भैया, मैंने आपको क्या कहा है हुड्डा साहब का प्रोग्राम होता है तो ये अगर ये नहीं उतरेंगे तो हुड्डा के लोग नहीं, हमारी चेताओं में हम सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतर के पूरा का पूरा हरियाणा चक्का जाम कर देंगे। हाँ होंगे होंगे ना, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कौन सी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब की सबकी कांग्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, सारी कांग्रेस एकजुट है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी सड़कों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष का बिगुल बजाने जा रही है। आपको नहीं लगता कि सर ये तो कांग्रेस पार्टी का होगा? सर आपको नहीं लगता कि सर झूठ है, एक झूठ है सर, आपको नहीं लगता कि जो जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने से पहले आपको जो गुटबाजी है, जो संगठन है उसको मजबूत करना चाहिए, जो गुटबाजी है उसको खत्म करना चाहिए कांग्रेस? देखिए मैंने आपको एक बात कही, पार्टी के अंदर मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर एकजुट हैं, ये ठीक है, किसी एक विषय पे मतभेद हो सकते हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, एक इशू के ऊपर मतभेद तो घर में भी होते हैं, आप जानते हैं अगर घर में एक इशू है कोई तो अलग अलग घर वालों के अलग अलग होते हैं, लेकिन मन भेद नहीं है, आई एक्सेप्ट वो भी विषय है, लेकिन उस पर मन भेद किसी का नहीं, मतभेद हो सकते। चलिए आपके कल वहाँ मैं कहने को तैयार हूँ और बोलिए, आप इसको लीड बनाओ, मैं कामना कर रहा हूँ जी, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। आप तो देखिए देखिए मैं एक मिनट भाई एक मिनट, उनका सवाल है कि कांग्रेस का संगठन कब तक बनेगा, मैं मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा चुनावी प्राधिकरण है मैं उसका मेंबर हूँ, जो हमारे संगठन के चुनाव चल रहे हैं मैं मध्य प्रदेश का इंचार्ज,
15 जून तक प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का गठन हो जाएगा और अगस्त सितंबर तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर और AICC सब का गठन होके पूरा का पूरा संगठन का ढांचा खड़ा हो जाएगा। युवा कांग्रेस का तो आपका गठन पहले से ही है। देखिए युवा कांग्रेस का चुनाव जो है, मैं तो हरियाणा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पता है आज हमारा संगठन पहले से थोड़ा सा जोर पकड़ता जा रहा है। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे, आप आने वाले दिनों में देखेंगे युवा कांग्रेस भी एक्टिव हो जाएंगे। जी देखिए ये सरकार कोई भी चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। खट्टर साहब की सरकार कोई बड़ी बात नहीं है, और साल दो साल पांच साल के लिए, मतलब जब तक इनका 2024 तक का चुनाव, जब तक इसको खींच के ले जाए, ये तो सरपंचों के चुनाव भी कराने से डरते हैं। ये तो केवल और केवल अपनी कुर्सी बची रहे, खट्टर साहब का हेलीकॉप्टर हवाई जहाज सुरक्षित रहे, और यहाँ के मंत्री जिस प्रकार से हरियाणा की गरीब जनता का जो खजाना है उसमें जो इन्होंने लूट मचा रखी है वो लूट मचाते रहे, केवल ये इनका मकसद और कोई मकसद नहीं।